राष्ट्रभक्त पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके 63वें जन्मदिन पर एकत्रित हुए हैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। तो मैं अपनी तरफ से और स्टेज पर बैठे हमारे दिल्ली प्रदेश के सभी उच्च पदाधिकारियों की तरफ से और आप सभी मतदाताओं, सपोर्टरों और कार्यकर्ताओं की तरफ से बहन जी को आज 63वें जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे बीच एक ऐसी विश्व नेत्री हैं, जिंदा देवी हैं, जिनकी गणना न केवल भारत में बल्कि विश्व में की जाती है। उनकी तुलना संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी से की जाती है। मसलन मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ऐसी विश्व नेत्री हमारे बीच आज भी हैं जिनकी तुलना बराक ओबामा जी से की जाती है। जैसे बराक ओबामा जी शोषितों, पीड़ितों, दलितों या अश्वेतों के प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका रंग भी नीला है और उनको वहाँ की जनता बहुत आदर और सम्मान के साथ ब्रदर ओबामा बोलती है, यानी कि भाई ओबामा बोलती है। ऐसे ही आज हमारे बीच भारत में एक विश्व नेत्री ऐसी है कि जिनका रंग भी नीला है, जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों, गरीबों, वंचितों, जो हर तरह से आर्थिक शोषित, सामाजिक राजनीतिक तरीके से जो गरीब है उनका प्रतिनिधित्व करती है और जिनको सर्वजन, यहाँ का सर्वजन उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बहन जी की उपाधि से नवाजता है। तो ऐसी बहन जी के जन्मदिन पर मैं आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देती हूँ और आप सबकी तरफ से बहन जी को भी शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे पास अगर आज हम देखें, मैंने यहाँ पर राष्ट्रभक्त पार्टी क्यों कहा बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही राष्ट्रभक्त पार्टी है। अगर आप इस बात को जाने कि हमारे महानायक और महानायिकाएं तो जैसा जैसी राष्ट्रभक्त थे ही वो थे ही, हमारी जनता भी 85% जो जनता है वो भी बहुत राष्ट्रभक्त रही है। उनका कुर्बानियां देखिए, आप इंडिया गेट पर देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम देखिए, वहाँ 95,000 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें से 61,000 मुस्लिमों के नाम हैं, 14,500 ओबीसी के हैं, 10,000 कुछ दलितों के हैं और 8,000 कुछ सिखों के हैं और 500 केवल 528 नंबर केवल सवर्णों के हैं। और जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्रभक्त बनते हैं और पार्टियां चलाते हैं राष्ट्रभक्ति की, उनकी मैं संख्या बता दूं आपको कितनी है, उनकी संख्या है 0, नगण्य। और वो लोग आज राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं जबकि असल में राष्ट्रभक्त पार्टी हमारी राष्ट्रभक्त पार्टी है। बाबा साहब खुद कहते थे कि जो कि हमारा स्वार्थ हमेशा देश हित से ऊपर रहना चाहिए और इस बात को बहन जी ने आज प्रूफ करके भी दिखा दिया कि उन्होंने लखनऊ में गेस्ट हुआ था, उस काम में जो कांड हुआ था उनके साथ, उसको नजरअंदाज करते हुए देशभक्ति की मिसाल देते हुए देश हित में और जनमानस के मान और सम्मान में आज समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया। आज मेरे पास क्योंकि समय बहुत कम है और मैं इतना ही कहना चाहूंगी, रोक रही हूँ अपनी वाणी को, जय भीम जय भारत।